हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीलिया कैसे झाड़ा जाता है। आपने गांव देहात में देखा होगा कई वैद्य है, नीम हकीम है, जो पीलिया झाड़ते हैं। कुछ लोग इसको झाड़ फूक भी बोलते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते हैं इसका साइंटिफिक रीजन कैसे है और क्या क्या इसमें इस्तेमाल होता है। हमारे पास देखिए एक आम का पेड़ है, आम का पेड़ है और हमारे पास चूना है, जो खाने वाला चूना होता है ना, सफेद, जो पान में लगाकर खाया जाता है, वो वाला चूना हमारे पास है। 2 रुपए की पुड़िया आती है पनवाड़ी से, बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो इसके प्रयोग से कैसे पीलिए को झाड़ा जाता है वो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए। तो ये देखिए, आम का पेड़ से हम कैसे आपको पीलिया झाड़ कर दिखाते हैं। ये चूना है। सबसे पहले करना क्या है, आम की जो छाल होती है, ये वाली छाल है, इसको थोड़ा सा खुरच लेना है इस प्रकार से। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, छाल को खुरच लेना है। वीडियो ध्यान से देखना और समझना वीडियो को, ठीक है। ये हमने पानी की छाल थोड़ी सी ले ली है, थोड़ा सा इसके अंदर हम चूने की मात्रा मिलाने वाले हैं। सफेद चूना है, ये हमने चूना मिला दिया है। आपको बताएंगे कैसे काम करता है, क्या इसका साइंटिफिक रीजन है। अभी इनको करना क्या, दोनों हथेली से अच्छे से इस प्रकार से मसलना है। चूना सफेद था और आम की छाल है वो हल्की ब्राउन कलर की है, और जैसे जैसे हम इसको हाथ पे मलते जाते हैं, देखिए हमारे हाथ का रंग कैसा हो जाएगा। ये देखो, हमारे हाथ पीले हो गए हैं इस प्रकार से, और पीलिया इससे झड़ जाता है। अभी आपको बताते हैं कि पीलिया कैसे झड़ता है। हमारे हाथों में आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट सुने होंगे, तो हमारी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन है वो हमारे हाथ में विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देखिए, आप हाथ को ऐसे करते हैं तो यहाँ पर हमारा लीवर का पॉइंट है, ठीक है, लीवर का पॉइंट है। हमारे पीलिया जब होता है तो क्या होता है, लीवर हमारा बिल्कुल वीक हो जाता है। तो लीवर पे जब ये येलो कलर का मिश्रण लगता है तो ये हमारा लीवर एक्टिव हो जाता है और पीलिया धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो अगर आपको भी पीलिया है तो आपको कैसे करना है, ध्यान रखना, सूर्य उदय से पहले आपको ये प्रयोग करना है। आम के पेड़ के पास जाना है, थोड़ी सी छाल को खुरचना, थोड़ा सा चूना लेकर के हाथ पे इस प्रकार से मलना है, ठीक है। 4 से 5 मिनट इस प्रकार से मसलते रहिए, ठीक है, और फिर 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है। आप इस प्रयोग को 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और ध्यान रखना सूर्य उदय से पहले ही करना है, तो आप देखेंगे कि आपका पीलिया भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कुछ लोग इसको झाड़ फूक बोलते हैं, लेकिन झाड़ फूक नहीं है, साइंटिफिक रीजन है। इस प्रकार से पीलिया वाकई में ही ठीक हो जाता है। तो आप भी इसको कर देख सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।